हेलो बच्चों, तो आज मैं क्विज का नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। आज देखेंगे हम सबसे पहले इसमें यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलॉम, और ये साइंटिफिक नाम से है जिन्होंने चार्ज के बारे में स्टडी किया था। CGS यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और वन कूलॉम और ES में क्या रिलेशन है, तो वन कूलॉम इक्वल टू 3×10⁻¹ ESU। डायमेंशन है 80, और पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं, द चार्ज हुज साइज इज नेगलिजिबल कम्पेयर टू द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का कंपेरेबल चार्ज आपका क्या हो, जिसका साइज बहुत छोटा हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स चार्ज स्केलर है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने दिखा रखा है नेट चार्ज आपका 2 कूलॉम आया है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज हमारा जो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज इंडिपेंड ऑन वेलोसिटी, मीन्स चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज रहता है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों आपका, इंटीग्रल रहता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है, इनको आपको नोट करना है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी में चार्ज हमेशा इंटीग्रल में ही रहता है और इंटीग्रल वैल्यू में एग्जिस्ट करता है, कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं रहता है। दिस इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।